तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीवी क्लासेस। और वीवी क्लासेस में हम आपको लुक के बारे में समझाएंगे, जो आप पे लुक दिख रहा है इसके बारे में समझाएंगे, इस तरह की चीजें हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे लुक अंडरस्कोर वन का देते हैं। अभी इसमें क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि एक से लेके चार तक, पांच तक, पांच रो है, तो हम यहाँ पे फोर का लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 5, और यहाँ पे हमने कर दिया नेक्स्ट आई। और बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर रो जो है आपका, अभी इसमें हम इसको फिलहाल हटाते हैं। और यहाँ पे एक और लूप देते हैं कि फोर जे इक्वल टू 1 2 i, 1 2 i, और फिर नेक्स्ट जे, और यहाँ पे सेल के अंदर देते हैं कि सेल्स आई कमल i कॉमा j डॉट हेलो वैल्यू इक्वल टू स्टार। इसका अब मैं इसको यहां से रन करता हूं, तो देखिए इस तरह की चीजें बन के आ गई। क्या जी आ गई सर? मैं चाहता तो ये चीज यहां पे होनी चाहिए। कहां पे? यहां पे होनी चाहिए, राइट सर? तो कैसे करें यहां पे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम यहां जे में 5 + 1 कर देते हैं, ठीक है? अब रन कीजिए, देखिए ये आ गया। अब मैं इसी को वापस यहां ऐसे लेके आना चाहता हूं ताकि पिरामिड का शेप बन जाए। क्या बन जाए? पिरामिड का शेप बन जाए। तो हम इसी में इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, और इसमें मैं सिंपल सा 6 - जे करते हैं, ठीक है सर? बन गया पिरामिड, बन गया ना सर? यस लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और था, क्वेश्चन तो था कि इसको उल्टा करने का, ठीक है ना? मतलब कि पहले पांच बार चले, फिर 2 बार चले, फिर 3 बार चले, इस तरह से। तो चलिए उस चीज को भी यहां पे हम करते हैं। तो मेरे यहाँ पे 4i j = 1 to i है हमारा, है ना? तो 1 to i में हम यहां पे कर देते हैं 5 + 1, फिर सेल्स, सेल्स में j i कॉमा j डॉट वैल्यू इक्वल टू स्टार कर दिए। लूप का नेम चेंज करना पड़ेगा। एक बढ़ते बढ़ते तो गड़बड़ हो गई। ऐसा माफ कीजिएगा, माइनस हो गया माइनस सिक्स। हो गया सर? लेकिन मुझे यहां नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, मुझे यहां नहीं, यहां चाहिए, यहां पे करता है, यहां पे। तो सिंपल सा इसमें हम कर देंगे 5 + j, और इसको करता हूं डिलीट, यहां आ गया। अब मुझे वापस सेम यहां चाहिए ताकि उल्टा पिरामिड बन जाए, तो हम इसी को करते हैं कॉपी और करते हैं पेस्ट यहां। सिक्स माइनस जे, जी इसको रन करते हैं, हो गया उल्टा पिरामिड सर। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया, तीन क्वेश्चन आ गए इसमें।
कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें जो हमने बनाया इसमें क्या था कि यहां दिख रहा है सर पिरामिड में का जो मिडल पार्ट था दो था, चौथे में क्वेश्चन में कहते हैं कि मिडल पार्ट वन होना चाहिए न कि टू होना चाहिए, समझे? तो क्या करेंगे इसको? कॉलम को डिलीट कर लेंगे? नहीं, यहां पे फोर प्लस जे कर दीजिए, ये यहां से राइट ओवरराइट करना शुरू कर देगा यहां से। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने यहाँ फोर प्लस वन कर दिया, ऐसे इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको करता हूँ डिलीट, एक बार सेल को क्लियर करके आ। तो ये आ गया। सही है सर? सही है, क्लियर है? क्लियर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि इन दोनों को इकट्ठा करना, इन दोनों माइक्रोवेव, समझे? तो कैसे करें? ये ऊपर का ए तो हमारा ए जो है ये प्रोबेबली माइक्रो ऊपर का पिरामिड बना देता है और नीचे वाला माइक्रो जो है नीचे का पिरामिड बनाता है, लेकिन दिक्कत हो गई। तो कैसे करें ताकि ऊपर का पिरामिड ना बने? तो इसमें हमें जस्ट रो नंबर जो हमारा आई है उसमें हम प्लस फाइव कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पे प्लस फाइव। ओके भास्कर जी, हाँ सर बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए, सुन रहा हूँ। किसके बताता हूँ सर, क्लास के बाद हूँ, क्लास के बाद बताता हूँ वीडियो। समझे सर? अब बोलेंगे सर इसका हम ऑफिस में क्या यूज करेंगे। देखिए इसका ऑफिस में तो कोई यूज खास नहीं है, लेकिन इससे आपके लूप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अच्छी हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मोस्टली जो आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं या किसी तरह के ऑनलाइन क्वेश्चंस होते हैं तो लूप में नॉट एक्सेल, आप जावा की बात कर लें, आप पाइथन की बात कर लें, या आप बात कर लें C++ की, सी की, सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इससे आपको लूप की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। और आपने देखा ये कितना हमने ट्रिक लगाया है इसमें, क्या सर? ये चीज आपको बना के देनी थी बट आपने बनाया नहीं। तो आप लोग अपने से कोशिश कीजिए और इसको बनाइए, ठीक है सर?